अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोहब्बत का वजीफा, जो सिर्फ एक दिन में आपकी दुआ को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत आपके करीब आ जाए, आप अगर अपनी रूठी हुई मोहब्बत को पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो फिर आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए आपको 3 लाल मिर्ची की ज़रूरत है। इस तरह से सूखी हुई लाल मिर्च ले लीजिए, और इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान है, इसे एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको इसे जुमा की रात को करना है, और जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं सिर्फ उनके लिए ही आपको इस वजीफे का इस्तेमाल करना है। तो जुमा की रात तहद्दुद के बाद आपको सूरत तौबा की आयत 129 को एक बार पढ़कर ये दुआ आपको एक बार पढ़नी है, और आपको इस तरह से 3 बार करना है। जी हाँ, ये सिर्फ एक दिन का वजीफा है। आपको ये जो दुआ पढ़नी है वो है, अल्लाहुमा अंता रबी वा अस्बी अला फला बिन फल नतिन अ फल नतिन बिन फल नतिन अ अतिफ कल बहु अव कल बहा अलावा जलिल तू अव जलिल हा फ इबलाहला या अतिफु कल बहु अव कल बहा अल यही अव पुआजिलेला। इस वजीफे को आपको एक बार पढ़ना है, और ये जो 3 लाल मिर्चें आपको दिख रही हैं आपके सामने सूखी हुई हैं, ये इसको आपको ले जाना है, और आपके घर में जो रसोई होगी, जो आपका जो खाना बनाने का जो गैस स्टोव होगा, उस पर ले जाके आपको रखना है, और उसके बाद इसे जला देना है। दोस्तों एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस समय आप इसे जला रहे हों उस समय आपके घर में कोई ना हो, और आपको उस समय इसको जलाना है, और जलाते ही आपको इसे कहीं ऐसी जगह पर ले जाके रख देना है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। एक और तरीका आप इसे कर सकते हैं कि आपको पहले से ही किसी ऐसी जगह पर चले जाना है जहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा ना हो, खाली जगह हो जहाँ पर कोई भी आपको देखेगा नहीं, ऐसे सुनसान जगह पर जाकर आपको ये 3 मिर्चियों को जला देना है, और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है, चुपचाप वापस आना है, और अपना हाथ पैर अच्छे से आपको वॉश करके, यानी कि आपको वजू कर लेना है, और उसके बाद आपको अपने सो जाना है। और ध्यान रखें कि अगले ही दिन आपकी जो मोहब्बत है वो आपको कॉल करेगी, आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी, आपसे उसको बात करने का मन करने लग जाएगा, और वो आपको बार बार कॉल करेंगी, बार बार आपसे मिलने के लिए वो आपका वक्त मांगेंगी, और इस तरह से आपकी मोहब्बत आपके करीब आ जाएंगी। तो आप इस वजीफे को कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी मसला अगर हो तो आप उसका हल हमसे ले सकते हैं। जी हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। शब्बा खैर दोस्तों।